चलो चैप्टर कौन सा है? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स दो सेक्शंस याद है क्या? 35 एंड 36. हमेशा याद रखना, पहले चैप्टर घर पे प्रिपेयर करो, कौन सा? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और उसके बाद ऑडिट. ये हमेशा अपना कॉम्बिनेशन चलेगा. जब भी आप घर पे रिवाइज कर रहे हो तो पहले कौन सा? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. उसके बाद काय पे शिफ्ट होना है? ऑडिट. क्लियर? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के लिए सिर्फ दो सेक्शन पे ध्यान देना है. कौन कौन से हैं वो? 35 और दूसरा कौन सा है? 36. अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के लिए दो मेन सेक्शन कौन कौन से हैं? 35 एंड 36. सेक्शन 35 ऑफ CGST एक्ट 2017 स्टेट्स दैट, क्या बोला है? रजिस्टर्ड पर्सन. रजिस्टर्ड पर्सन, इसके ऊपर दो नंबर बोलो, 22 और 24. रोहित, 22 का एक है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 नॉट लायबल, 24 कंपल्सरी. तो सबसे पहले अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में क्या याद रखना है कि भाई किसके लिए प्रोविजन है? रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. अंडरलाइन करना, कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखना है? प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एंड कीप इट एट इज कहाँ रखना है? रजिस्टर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. क्लियर? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ से पता चलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन से फॉर्म में मिलेगा? IA. हाँ बोलो, अरे बोलते जाओ, माइनस मार्किंग थोड़ी ना है अभी. INC. बाप रे, खिड़की खोलो, जाता मैं किधर भी. हाँ, PNG ज्वेलर्स कौन बोला रही है? देखो पेपर मैं अभी बोल रहा ना, अभी जैसे बच्चे आए, क्या बोल रहा है कि फॉर्म नंबर आ गया ना तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता अगर तुमको फॉर्म नंबर याद नहीं आया. कुछ समझ में आता है कि फॉर्म नंबर? तो मेरे को भी पूरे थोड़ी नहीं याद है, मैं भी कौन सा पूछूंगा तुमसे यहाँ जो मुझे याद है. तो वो कौन सा है? GST REG 6. GST REG 6. REG 1 याद है? एप्लीकेशन. REG 2 एक्नॉलेजमेंट, अब सब याद आएगा. REG 3 नोटिस. REG 4 रिप्लाई टू नोटिस. REG 5 देखो अच्छे से उन लोग को, कैंसिलेशन. REG 6 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. उनको इसलिए अभी याद आ रहा, उनका अभी 15 दिन पहले ही हुआ है. तुम्हारा बहुत दिन पहले हुआ था ना, रिवीजन किया नहीं होगा? नहीं किया ना, अभी कर लेना जून के बाद, बहुत टाइम है. सेकंड, इफ देयर इज मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस. अब क्या बोल रहा है? इफ देयर इज मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू कैप्ट एट सच प्लेस ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट डिजिटाइजेशन. देर इज अ फैसिलिटी टू मेंटेन अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अंडर GST. क्लियर? क्या GST में बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं? क्या कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल ये फैसिलिटी दी गई है. किसको? SSC को. क्लियर? अब ध्यान देना, दो सेक्शंस अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, 35 और 36. पहले अगर ये चैप्टर नहीं भी हुआ है तो आपका कवर हो जाएगा. 35 क्या बोलता है? अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड. सबसे फर्स्ट देखो, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड आर एस फॉलो. किसको रखना है? रजिस्टर्ड पर्सन. रजिस्टर्ड पर्सन कौन? जो 22 और 24 में आ रहा है. शैल कीप एंड मेंटेन कहाँ पे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. कहाँ पे मेंशन होगी वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. कैसे? ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ किस चीज़ का? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, आउटपुट टैक्स पेएबल, सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब. कितनी चीज़ें को रखने का बोला है? 6. शुरू के 5 बिल्कुल स्पेसिफिक है, 6 में क्या बोला है? प्रिस्क्राइब. प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी कैप्ट एट सच प्लेस ऑफ बिजनेस. क्लियर? ये सच प्लेस ऑफ बिजनेस. सेकेंड, प्रोवाइडेड फर्दर दैट रजिस्टर्ड पर्सन मे कीप एंड मेंटेन सच अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सॉरी, क्या इलेक्ट्रॉनिक वे में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखना मैंडेटरी है? ये मैंडेटरी नहीं, ये क्या है? फैसिलिटी है, ऑप्शनल है. किसको दी गई है? SSC को. क्लियर यहाँ तक? तो ऊपर अपने को कितने टाइप के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखना है? 6. क्लियर? अब नीचे देखो, ओनर किसके लिए प्रोविजन बोला है?
ओनर ऑपरेटर कहाँ का वेयर हाउस गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड एवरी ट्रांसपोर्टर. यहाँ 35 सबसेक्शन 2 में तीन लोगों को कवर किया है, ओनर ऑपरेटर ट्रांसपोर्टर. देखो क्या लिखा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट. 35 सबसेक्शन 1 में क्या होना जरूरी है, रजिस्टर्ड पर्सन. 35 सबसेक्शन 2 रजिस्टर्ड भी चलेगा अनरजिस्टर्ड भी चलेगा, लेकिन कौन चलेगा, कौन होना चाहिए, ओनर ऑपरेटर ट्रांसपोर्टर. रजिस्टर्ड के अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बोर्ड. 35(1) में रजिस्टर्ड. ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन रहता है, शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द कंजाइनर कंजाइनी एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ गुड्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. देखो मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, दो चीज़ों पे फोकस करना. पहले इसमें देखो उन्होंने क्या बोला है, रजिस्टर्ड पर्सन. 35 सबसेक्शन 1 सिर्फ किसके लिए है, 35 सबसेक्शन 2 रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों, लेकिन किसको कवर किया है, ओनर ऑपरेटर ट्रांसपोर्टर. किसकी डिटेल रखना है, डिटेल्स ऑफ कंजाइनर कंजाइनी और अदर डिटेल्स. क्लियर. 35 सबसेक्शन 3 कमिश्नर. 35 सबसेक्शन 3 किसके लिए, कमिश्नर एम्पावर्ड टू नोटिफाई अ क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड पर्पस टू और टू मेंटेन अकाउंट्स इन अदर प्रेस्क्राइब्ड मैनर. किसके पास पावर है, कमिश्नर के पास. किसके पास पावर है, कमिश्नर के पास नोटिफाई करने के लिए. फोर्थ, वेयर कमिश्नर कंसिडर्स दैट एनी क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन इज नॉट इन पोजिशन टू कीप इन मेंटेन अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ही मे फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग परमिट सच क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन अकाउंट्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. क्या मतलब हुआ, मतलब 35 का पूरा पावर किसके पास है, कमिश्नर. 35 का पूरा पावर किसके पास है, कमिश्नर. कितने सबसेक्शन हो गए, 4. 35 सबसेक्शन 1, 35 सबसेक्शन 2, 35 सबसेक्शन 3, 35 सबसेक्शन 4. 35 सबसेक्शन 1 इज ओनली फॉर, 35 सबसेक्शन 2 रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ओनर ऑपरेटर ट्रांसपोर्टर. क्लियर. अब 35 सबसेक्शन 5 लिखो वहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा सेक्शन बोल रहा हूं मैं, 35 सबसेक्शन 5. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या लिखा है, अब कंपल्सरी ऑडिट. सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट 2017 रीड विद रूल 80 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST रूल्स 2017. CS एग्जीक्यूटिव में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के रूल एप्लीकेबल नहीं है. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स प्रिस्क्राइब लिमिट शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट. As per rule 80, CGST rules 2017, every registered person, किसको, every registered person whose, कौन सा turnover, aggregate turnover. अभी simple ध्यान देना, क्या होता है वो बाद में discuss करेंगे. aggregate turnover during a financial year exceeds 2 crore shall get his accounts audited as specified under subsection 5 of section 35. ये कौन सा audit है, कंपलसरी तो है लेकिन किस चीज़ पे बेस्ड है, टर्नओवर के बेस पे. किस चीज़ पे बेस्ड है, अगर आपका टर्नओवर 2 crore को क्रॉस करता है तो आपको कंपलसरीली ऑडिट कराना है, किससे, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट. और बस दो ही लोग करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट. फिर देखो क्या लिखा है, एंड ही शैल फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स. साथ में क्या, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स प्लस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड इन फॉर्म GSTR 9C इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय कमिश्नर. क्लियर. तो 35(5) क्या है, कंपल्सरी ऑडिट. किस चीज पे बेस्ड है, टर्नओवर. खाली टर्नओवर के एग्रीगेट टर्नओवर, किस से ज्यादा एग्रीगेट टर्नओवर, 2 crore से ज्यादा, तब आपको क्या कराना है, कंपल्सरी ऑडिट. किस से, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट. साथ में एनुअल, देखो और कुछ है क्या, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और ड्यूली सर्टिफाइड फॉर्म नंबर GSTR 9C. क्लियर. थर्ड पॉइंट पे अमेंडमेंट था, पहले भी था तो इसलिए रिलेवेंट रहेगा ही.
बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं? कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इफ सेम आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय सीएजी ऑफ इंडिया और एनी स्टेचुअरी ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग अकाउंट्स ऑफ अ लोकल अथॉरिटीज। आप बोलो क्या मतलब हुआ? मीनिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है, इसका ऑडिट किसने कर दिया है? सीएजी, तो उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे क्या बोला जाता है? रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। किसी और को है क्या रिलैक्सेशन? किसी और को ये वाला रिलैक्सेशन नहीं। ये रिलैक्सेशन सिर्फ किसको दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। क्लियर? अब 35 सबसेक्शन 6, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आईटीज की बात कर रहा है। वेयर रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35(1). क्या मतलब हुआ? 35(1) में क्या बोला? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखना है। 35(6) क्या बोल रहा है? अगर आपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स नहीं रखे, किस सेक्शन के हिसाब से नहीं रखे? 35 सबसेक्शन 1। अब यहाँ पे कौन आ गया? प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन करेगा? अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर इफ सच गुड्स और सर्विसेज बोथ हैड बीन सप्लाइड बाय सच पर्सन। मतलब ये मानेंगे, मान लो 50 लाख का माल पड़ा है। कितने का माल पड़ा है? 50 लाख। उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं हुई तो ये माना जाएगा कि आपने 50 लाख का क्या किया है? सप्लाई। और उस पर क्या लग जाएगा? GST। साथ में कौन से दो सेक्शन यूज होंगे? 73 74। व्हाट इज 73 74? डिमांड एंड रिकवरी एज द केस में भी मुतातिस मुंडेंडिस अप्लाई फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सच टैक्स। क्लियर? कितने सबसेक्शन हो गए? 6। 35 सबसेक्शन 1 क्या बताता है? कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखना है। 35(2) रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, लेकिन वो प्रोविजन सिर्फ किसके लिए है? ओनर ऑपरेटर ट्रांसपोर्टर। 35 सबसेक्शन 3 कमिश्नर के पास पावर है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 कमिश्नर के ही पास पावर है कि अगर आप उस वे में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स नहीं रख सकते तो कोई दूसरा मेथड, ऑर्डर मस्ट बी पास्ड इन राइटिंग, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन, वो तो रहेगा ही। 35 सबसेक्शन 5 क्या है? कंपलसरी ऑडिट। किस बेस पे ऑडिट है? टर्नओवर। कौन सा टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर। किससे ज्यादा? 2 CR। कौन करेगा ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट प्लस ऑडिटेड फाइनल अकाउंट्स प्लस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। किस में फाइल करना है? GSTR 9C। फॉर्म याद रखना अभी, हाँ, GSTR 9C। क्लियर? अब इसके बाद देखो, थर्ड में एक और उन्होंने नया डाला है। क्या है? अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो चुका है और ये ऑडिट सीए ने नहीं, किसने किया है? CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। तो आपको यहाँ पे ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 35 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि अगर आपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स किस सेक्शन के हिसाब से नहीं रखे? 35 सबसेक्शन 1 किस सेक्शन के हिसाब से नहीं रखे? 35 सबसेक्शन 1। तो क्या होगा? ये माना जाएगा कि प्रॉपर ऑफिसर क्या मान के चलेगा कि आपने वो गुड्स का क्या किया है? सप्लाई। और उसमें टैक्स निकाला जाएगा किस हिसाब से? 73 ऑब्लिक 74। तो ये सेक्शन एग्जीक्यूटिव में नहीं है। क्या कहलाते हैं ये? डिमांड एंड रिकवरी। क्लियर? चलो थर्ड रीड। थर्टी फाइव कितने इसमें डिवाइडेड? टोटल 6। क्लियर? आप देखो 36 में क्या दिया है। चलो, पीरियड ऑफ रिटेंशन। किसका पीरियड ऑफ रिटेंशन? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। किसका पीरियड ऑफ रिटेंशन बोला है? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स।
The time duration for retention of accounts and records under GST is until expiry of 72 months. अब सबसे मेन मंथ्स अगर हैं तो कितना देखना है, 72 मंथ्स. ये 72 मंथ्स कहाँ से काउंट होंगे? फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न ऑफ द ईयर पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. अब देखो यहाँ पे नीचे देखते जाना, मेरा फाइनेंशियल ईयर फॉर एग्जाम्पल 1920, क्लियर. इसका क्या फाइल करूंगा मैं? एनुअल रिटर्न. तो इसका एनुअल रिटर्न का लास्ट डेट फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? 31/12/2020. क्लियर. यहां तक क्या फाइल करना है अपने को? एनुअल रिटर्न. आपने एनुअल रिटर्न मान लो 31/12/2020 को क्या कर दिया? फाइल. यहां से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कब तक रिटेन करके रखना है? 72 मंथ्स. देखो कैसा लिखा है, द टाइम ड्यूरेशन फॉर रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी इज अंटिल एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. किस साल के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मुझे रखना है? किस साल के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मुझे रखना है? 1920. अरे प्रीवियस ईयर नहीं, किस साल के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखना है? 1920 फाइनेंशियल ईयर. इनकम टैक्स छोड़ना है किस साल के? फाइनेंशियल ईयर 1920. इसके एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट क्या है? 31/12/2020. यहां से कब तक? 72 मंथ्स. क्लियर. नेक्स्ट देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन. कौन सा पर्सन? रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पार्टी टू एन अपील और रिविजन और एनी अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी अपीलेट अथॉरिटी, रिविजनल अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट. मतलब डिस्प्यूटेड केस है कि नॉन डिस्प्यूटेड केस? वेदर फाइल्ड बाय हिम और बाय कमिश्नर और इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर एन ऑफेंस शाल रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच अपील और रिविजन और अ प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील और रिविजन और प्रोसीडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन और फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड अबव विच एवर इज लेटर. मतलब लेटर मतलब पहले के बाद में. अगर मान लो बाद 5 साल का पीरियड निकल गया, सॉरी कितने मंथ्स बोला था? 72 मंथ्स. 72 मंथ्स का पीरियड हो गया, उसके बाद भी केस कोर्ट में पड़ा है, अब 1 साल तक, जिस दिन जजमेंट आ रहा है उससे कब तक? 1 साल. क्लियर. नॉर्मल केस में कितना है? 72 मंथ्स. डिस्प्यूट के केस में 1 ईयर. क्लियर. ये दो सेक्शन में और कुछ भी नहीं है चैप्टर में. अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के लिए दो मेन सेक्शन कौन कौन से हैं? 35 और 36. 35 कितने इसमें डिवाइड है? 6. 36 दो इसमें है, एक इसमें कितना दिया हुआ है? 72 मंथ्स. और एक इसमें कितना दिया हुआ है? क्लियर. चलो अब ऑडिट पे आ जाओ. इससे पहले अपने दो कौन कौन से कंप्लीट हो गए? 35 और 36. अब अपन कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? ऑडिट. तो यहाँ पे दो, 65 और 66. ये सब चैप्टर पे नोट करते जाना. ऑडिट पढ़ने से पहले मुझे दो कौन कौन से सेक्शन देखना है? 35 और 36. 35 क्या बताता है? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. 36 क्या बताता है? पीरियड ऑफ रिटेंशन. फिर ऑडिट 65 और दूसरा काय में है? 66. 5 मिनट दे रहा हूं, एक बार फास्ट चैप्टर रीड करो. इंपॉर्टेंट इस बार क्वेश्चंस मिलेंगे. हाँ
सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज किया, नहीं तो आप सोचो कुछ अमेंडमेंट आ गया। हाँ फर्स्ट देखो, सबसे पहले क्या दिया है, ऑडिट। ऑडिट को क्या करके रखा है उन्होंने, डिफाइन कौन से सेक्शन में, 2 सबसेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट 2017। व्हाट इज ऑडिट, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब देखो मैंने किसको ब्रैकेट में लिया, रिकॉर्ड्स, तो कौन सा सेक्शन मालूम होना चाहिए, 35। क्लियर, ऑडिट क्या है, एग्जामिनेशन है, किस चीज का एग्जामिनेशन, रिकॉर्ड। फिर आप क्या फाइल करोगे, रिटर्न प्लस अदर डॉक्यूमेंट, मेंटेन्ड और फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन, 22 और 24 अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। किस चीज के लिए ऑडिट किया जाता है, ब्रैकेट में लेना वर्ड, किस चीज के लिए ऑडिट किया जाता है, वेरीफाई। किस चीज का वेरीफाई, करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड। आपने टर्नओवर काय में डिक्लेयर किया होगा, रिटर्न में। साथ में टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम्ड एंड ITC अवेल्ड। क्लियर, ऑडिट क्यों किया जाता है, वेरीफाई करने के लिए। किस किस चीज को वेरीफाई करेंगे, करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम्ड, ITC अवेल्ड, ITC अवेल्ड, एंड टू असेसेस कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। क्लियर, तो ऑडिट कौन से सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट 2017। डन, अब नीचे देखो, ऑडिट अंडर GST कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का। GST में ऑडिट कितने टाइप का है, 3। सबसे पहला ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 हुज टर्नओवर एक्सीड्स प्रिस्क्राइब लिमिट। पढ़ चुके हैं, क्या है प्रिस्क्राइब लिमिट, 2 CR। प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है, फिर ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज और स्पेशल ऑडिट। ये चैप्टर लास्ट 2 टाइप ऑफ ऑडिट से डील करता है। ये चैप्टर किससे डील करता है, लास्ट 2 टाइप ऑफ ऑडिट। ये चैप्टर किससे डील करता है, लास्ट 2 टाइप ऑफ ऑडिट। क्लियर, तो ऑडिट कितने टाइप के हैं, बेसिकली 3। एक तो कंपलसरी ऑडिट है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर ऑडिट सेक्शन 35 सबसेक्शन 5, और दूसरे ऑडिट ये वाला चैप्टर है 65 और 66। क्लियर, आप देखो क्या लिखा है, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, हु मे कंडक्ट ऑडिट। पहला पॉइंट क्या है, हु मे कंडक्ट ऑडिट, तो ऑडिट कौन करेगा, कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर। सबसे पहला प्राइम ऑफिसी कौन कर सकता है, कमिश्नर। क्या कोई दूसरा पर्सन ऑडिट कर सकता है, यस उस पर्सन को ऑथराइज कौन करेगा, कमिश्नर। मे अंडरटेक ऑडिट ऑफ, किसका ऑडिट कर सकते हैं, कहां पे, एट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और इन देयर ऑफिस फॉर अ फाइनेंशियल ईयर और मल्टीपल्स, मतलब एक से ज्यादा ईयर का भी क्या हो सकता है, ऑडिट। क्लियर, वेयर इट इज डिसाइडेड टू अंडरटेक ऑडिट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, प्रॉपर ऑफिसर शाल इशू अ नोटिस नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज प्रायर टू कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ये जनरल ऑडिट होता है नॉर्मल, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आपने कुछ गड़बड़ की है तो ऑडिट किया जाए, नॉर्मल रूटीन फंक्शन के लिए। इसलिए डिपार्टमेंट जब भी आएगा, विथ नोटिस की विदाउट नोटिस, विथ नोटिस प्रायर नोटिस की पोस्ट नोटिस, प्रायर कितने दिन, 15 डेज, तो 15 डेज याद रखना। ये ऑडिट कौन कर सकता है, कमिश्नर। क्या कोई दूसरा ऑफिसर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसको ऑथोराइज कौन करेगा, कमिश्नर। कौन से ऑर्डर से, जनरल ऑर्डर और स्पेसिफिक ऑर्डर। क्लियर, सेकेंड पॉइंट पे, बी पॉइंट पे स्टार मार्क करो, क्या लिखा है, व्हाट इज मीन बाय कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। द टर्म कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑडिट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम इन रेफरेंस टू दिस डेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट मीन्स लेटर ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज लेटर ऑफ द फॉलोइंग, पहले के बाद में। फर्स्ट देखो, डेट ऑन विच रिकॉर्ड्स ऑब्लिक अकाउंट्स कॉल्ड फॉर बाय ऑडिट अथॉरिटीज आर मेड अवेलेबल टू देम और एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर। 13 तारीख को अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मिल गए, ऑडिट 15 तारीख से चालू हुआ, तो कमेंसमेंट कब से माना जाएगा, 15। क्लियर, सी पे वापस स्टार करो, पॉइंट नंबर सी, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। द ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। क्लियर हुआ, अब बताओ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जब तक आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि किस डेट से माना जाएगा, तब तक आप टाइम पीरियड नहीं ढूंढ सकते। तो टाइम पीरियड क्या है, 3 मंथ्स, किस दिन से 3 मंथ्स है,
कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. द पीरियड इज एक्सटेंडेबल फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ मैक्सिमम 6 मंथ बाय द कमिश्नर. क्या एक्सटेंशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. कितने मंथ्स? मैक्सिमम 6 मंथ. कितने मंथ्स का? मैक्सिमम 6 मंथ. प्राइम ऑफ एसी टाइम पीरियड 3 मंथ्स. क्या एक्सटेंशन परमिसेबल है? कौन करेगा एक्सटेंशन? कमिश्नर. कितने दिन का मैक्सिमम? ऑडिट कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए? किस दिन से? 3 मंथ्स कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. तो इसलिए आपको काय की डेफिनेशन मालूम होना, सॉरी काय का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए. कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. क्लियर? पॉइंट डी क्या लिखा है? हाउ टू कंडक्ट ऑडिट. कौन करेगा? प्रॉपर ऑफिसर ऑथोराइज टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शाल विथ असिस्टेंस ऑफ टीम ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स अकंपनीइंग हिम वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड रिटर्न एंड स्टेटमेंट फर्निश्ड अंडर द एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर. क्या क्या चेक करेंगे? करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर, एग्जेम्पशन, डिडक्शन क्लेम, रेट ऑफ टैक्स अप्लाइड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ITC अवेल्ड, यूटिलाइज्ड, रिफंड क्लेम्ड, अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड्स. आप देखो लास्ट वाले पॉइंट को, ये सब करने के बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑडिट नोट्स. क्या बनाना पड़ेगा? ऑडिट नोट्स. उस ऑडिट नोट में आपने जिस चीज़ का ऑडिट किया है उसके ऑब्जर्वेशंस को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड. क्लियर हुआ? जो भी बंदा ऑडिट करेगा वो डिटेल काय में नोट करेगा? ऑडिट नोट्स. वो क्या कहलाएंगी? ऑब्जर्वेशंस. वो ऑब्जर्वेशंस उसको कहां से मिलेंगे? ऑडिट के दौरान. क्लियर? नेक्स्ट देखो. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑथराइज्ड ऑफिसर में रिक्वायर रजिस्टर्ड पर्सन. भाई अब असेसी को क्या करना है? फैसिलिटेट करना है. किस चीज का? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल और रिक्वेस्टेड बाय अथॉरिटीज. जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन एज अथॉरिटीज में रिक्वायर फॉर कंडक्ट ऑफ ऑडिट और रेंडर असिस्टेंस. देखो तीन वर्ड पे खेल है. पहला क्या हो गया? फैसिलिटेट, वेरिफिकेशन. जब तक आप फैसिलिटी नहीं दोगे वो वेरीफाई कर पाएंगे क्या? मतलब सबसे पहला क्या है? अपने को अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स उनको देना पड़ेगा. सेकंड, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो बताना पड़ेगा. और थर्ड, असिस्ट करना पड़ेगा. द प्रॉपर ऑफिसर में इन्फॉर्म. प्रॉपर ऑफिसर किसको इन्फॉर्म करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को. किस चीज़ का? जितनी भी गड़बड़ है वो कौन बताएगा? प्रॉपर ऑफिसर बताएगा. किसको बताएगा? रजिस्टर्ड पर्सन. इफ एनी ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑडिट एंड सेट पर्सन मे फाइल इस रिप्लाई, उसको देना रिप्लाई देना पड़ेगा. एंड प्रॉपर ऑफिसर शाल फाइनलाइज द फाइंडिंग ऑफ ऑडिट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ रिप्लाई. क्या प्रॉपर ऑफिसर डायरेक्टली फाइनलाइज कर सकता है? नहीं. प्रॉपर ऑफिसर पहले नोटिस देगा अपनी ऑब्जर्वेशंस का. किसको बताएगा? रजिस्टर्ड पर्सन. रजिस्टर्ड पर्सन फिर क्या देगा? रिप्लाई. इसको क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. किस चीज पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इसके बाद देखो ई पॉइंट. अब क्या दिया है? फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट. अब क्या दिया है? फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट. प्रॉपर ऑफिसर शैल फाइनलाइज द फाइंडिंग ऑफ द ऑडिट आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द रिप्लाई फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू ऑडिट ऑब्जर्वेशन ब्रॉट टू हिज नोटिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. मतलब अगर मैंने रिप्लाई फाइल नहीं करा तो क्या प्रॉपर ऑफिसर कंप्लीट कर सकता है? प्रॉपर ऑफिसर कब कंप्लीट करेगा अपनी फाइंडिंग्स? असेसी के रिप्लाई मिलने से पहले कि बाद में? बाद में. ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट प्रॉपर ऑफिसर शाल विद इन, कितने दिन में? 30 डेज, इन्फॉर्म रजिस्टर्ड पर्सन हुज रिकॉर्ड्स आर ऑडिटेड अबाउट फाइंडिंग्स, हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड रीजंस फॉर सच. कितने दिन में बताना है प्रॉपर ऑफिसर को? 30 डेज. प्रॉपर ऑफिसर को ऑडिट कितने दिन में कंप्लीट करना है? 3 मंथ. किस दिन से? 3 मंथ, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. क्या ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है? मैक्सिमम. कौन एक्सटेंड करेगा? कमिश्नर. कौन एक्सटेंड करेगा? कमिश्नर. वेयर ऑडिट रिजल्ट्स इन, ऑडिट से क्या पता चला? डिटेक्शन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज, प्रॉपर ऑफिसर इनिशिएट करेगा एक्शन. कौन से सेक्शन में? 73-74. वॉट इज 73-74? डिमांड एंड रिकवरी. वॉट इज 73-74? डिमांड एंड रिकवरी. क्लियर? अब देखो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 66. अब ये कौन सा ऑडिट हो गया? स्पेशल ऑडिट. इसमें नोटिस दे के आएंगे क्या? जनरल ऑडिट में नोटिस. कितने दिन का नोटिस? 15 working days. व्हेन स्पेशल ऑडिट मे बी डायरेक्टेड एंड फ्रॉम होम इफ इट एनी स्टेज ऑफ, क्या बोला है? स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और अदर प्रोसीडिंग्स. देखो चार चीजें ध्यान देना है. पहला क्या हो गया? स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और अदर प्रोसीडिंग बिफोर हिम.
एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हैविंग रिगार्ड टू नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इज ऑफ द ओपिनियन दैट. दो ही चीज ध्यान देना है, वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड. वैल्यू को क्या नहीं किया है, करेक्टली डिक्लेयर नहीं किया है. और क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट्स. मतलब वैल्यू के लिए मुझे कौन सा सेक्शन मालूम होना चाहिए, 15 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 प्लस रीड विथ रूल 26 to 35 ए तक रूल्स है ना, वैल्यूएशन रूल्स, वो मालूम होना चाहिए. इसके बाद क्रेडिट आपने क्या किया, नॉर्मल लिमिट में नहीं लिया है, मतलब क्रेडिट में गड़बड़ की है ना, तो डिपार्टमेंट आपका क्या कर सकता है, स्पेशल ऑडिट. डिपार्टमेंट स्पेशल ऑडिट करेगा तो दो चीज़ें देखेगा, पहला वैल्यू हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड और इनपुट टैक्स क्रेडिट करेक्टली अवेल्ड कि नॉन, ही मे विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर. देखो कितना फर्क है, करेगा कौन ये ऑडिट, ज्वाइंट कमिश्नर, लेकिन अप्रूवल किसका लेगा, कमिश्नर. तो कमिश्नर उससे पूछेगा ना क्यों दूं मैं अप्रूवल, तो क्या बताएगा, वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली क्लेम्ड. और ITC इशू अ डायरेक्शन टू अ रजिस्टर्ड, इशू अ डायरेक्शन टू द रजिस्टर्ड पर्सन टू गेट हिज रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन्ड एंड ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट एज मे बी नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर एंड स्पेसिफाइड इन सेट डायरेक्शन. द प्रोविजन ऑफ स्पेशल ऑडिट शैल हैव इफेक्ट इवन इफ अकाउंट्स ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैव बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ GST एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बींग इन फोर्स. 35(5) में ऑडिटर कौन ढूंढता था, 35(5) में ऑडिटर कौन ढूंढता था, हम खुद ढूंढते थे. यहाँ पे ऑडिटर कौन बताएगा, कमिश्नर बताएगा. मतलब ऑडिटर को नॉमिनेट कौन करेगा, कमिश्नर. कमिश्नर क्या बोलेगा, इससे जाके आप क्या करा के लाइए, ऑडिट. क्लियर, तो अपनी बात सुनेगा क्या. अब पॉइंट बी, टाइम लिमिट विद इन विच ऑडिट इज टू बी कंप्लीटेड. 65 में ऑडिट कब कंप्लीट होना चाहिए था, 3 मंथ्स. क्या एक्सटेंशन पॉसिबल था, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर शैल सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड बाय हिम विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज. किसके पास रिपोर्ट देंगे, असिस्टेंट कमिश्नर, मेंशनिंग देयर इन सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी. असिस्टेंट कमिश्नर में एक्सटेंड द सेट पीरियड ऑफ 90 डेज बाय फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज. एक्सटेंशन कौन दे सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर, ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम इन दिस बिहाफ बाय रजिस्टर्ड पर्सन और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट. लेकिन आप वापस समझना, यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए कॉल अप्लाई कर सकता है, CA भी बोल सकता है या SSC भी बोल सकता है. किसके पास बोलेगा, असिस्टेंट कमिश्नर. वो कितना एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन फॉर एनी मटेरियल और सफिशिएंट रीजन. क्लियर, हु विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट, द एक्सपेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट एंड रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन ऑफ सच चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट शैल बी डिटरमाइंड एंड पेड बाय कमिश्नर एंड सच डिटरमिनेशन शैल बी फाइनल. क्लियर, डी पॉइंट पे स्टार मार्क करो. द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मटेरियल गैदर्ड ऑन बेसिस ऑफ स्पेशल ऑडिट विच इज प्रपोज टू बी यूज इन एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर. मतलब स्पेशल ऑडिट से जो भी डिटेल निकलेगी, प्रॉपर ऑफिसर या जो भी आपको ऑडिट कर रहा है वो कब कर यूज कर पाएगा, उससे पहले वो SSC को क्या देगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड. ऑन कंक्लूजन ऑफ स्पेशल ऑडिट रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ स्पेशल ऑडिट. अब क्या हो सकता है स्पेशल ऑडिट में, देखो क्या क्या निकल सकता है. सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ टैक्स नॉट पेड, मतलब क्या पता चला टैक्स पे नहीं किया है, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज, द प्रोसेस ऑफ डिमांड एंड रिकवरी विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट रजिस्टर्ड पर्सन 73, 74. वापस उसका क्या होगा, 73 और 74. रफ कॉपी निकालो, कुछ लिखवा के दे रहा हूँ. जिनके नोट्स में दिया उनको नोट नहीं करना, डिफरेंस ही है, या तो बुक में लास्ट में लिख लो, बिल्कुल लास्ट पेज पे. किस किस के बीच में डिफरेंस, 65 और 66.
किस किस में डिफरेंस दिया है? 65 एंड 66. देखते जाओ. सबसे पहले 65 क्या है, से जो वर्ड अंडरलाइन करना वो लिखना. दो कॉलम बनाओ, 65 और 66. 65 क्या है? डिपार्टमेंटल ऑडिट. 65 क्या है? डिपार्टमेंटल ऑडिट. 66 स्पेशल ऑडिट. व्हाट इज 65? डिपार्टमेंटल ऑडिट. 66 स्पेशल ऑडिट. 65 डिपार्टमेंटल ऑडिट, 66 स्पेशल ऑडिट. क्लियर? वापस सुनो, 65 क्या है? डिपार्टमेंटल ऑडिट, 66 स्पेशल ऑडिट. कौन कंडक्ट करता है? ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर, कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर. 35 में कौन नॉमिनेट करता है? कमिश्नर नॉमिनेट नहीं करता, एसएससी खुद कराता है. दोनों डिफरेंस क्लियर हुए? 65 का ऑडिट कौन सा ऑडिट है? डिपार्टमेंटल. 66 स्पेशल. 65 में ऑडिट कौन करता है? डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स करते हैं. 66 में चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर. प्रायर नोटिस कितना है? 15 डेज. प्रायर नोटिस कितना है? 15 डेज. और यहां लिखो नो सच नोटिस. खुद सोचो ना यार, गड़बड़ वाले केस में नोटिस देके आएगा कि डिपार्टमेंट? क्लियर? अब तीन पॉइंट वापस रिपीट कर रहा हूं. 65 क्या है? डिपार्टमेंटल ऑडिट. 66 स्पेशल ऑडिट. 65 का ऑडिट कौन करेगा? ऑफिसर्स. 66 CA CMA नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर. प्रायर नोटिस कहां पे जरूरी है? 65 कितने दिन का? 15 वर्किंग डेज. 66 में नो नोटिस रिक्वायर्ड. टाइम देखो अब, द टाइम कितना है? 3 months. किस दिन से 3 months काउंट होगा? कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. क्या एक्सटेंशन पॉसिबल है? फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 6 months इज अलाउड. और यहां पे 90 days. क्या एक्सटेंशन हो सकता है? यस. फर्दर कितना? 90 days. क्लियर? ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इंटीमेटेड सून अपॉन कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. ऑडिट रिपोर्ट शुड बी शोन टू डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर. पहले यहां पे किसको दिखाया जाता है? डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. 65 में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 66 में यस. ऑडिट रिपोर्ट, सॉरी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या रहेगा? मस्ट. एक्शन बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट, यस. दोनों जगह यस. 73 भी लग सकता है, शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है. नोट करो इसको.
क्लियर बेटा डिफरेंस? ये डिफरेंस अच्छे से याद रखना, किस किस का डिफरेंस है, 65 और 66। नोटिस कहां जरूरी है, 65, 66 में नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों में अगर कुछ गड़बड़ निकला तो कौन से सेक्शन लगेंगे, 73, 74, क्या कहलाते हैं, डिमांड एंड रिकवरी। क्लियर? अब देखो घर पे क्या करना, पहले 65, 66 पढ़ लेना, फिर उसके बाद में क्या करना, डिफरेंस रीड करना। कुछ बच्चे मुझे मालूम है बहुत महान रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कौन 65, 66 पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस पढ़ के गए, और अगर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट याद नहीं आया तो गए, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट किधर समझ में आएगा, 65 में, उसके बाद काय पे जाना है, डिफरेंस। क्लियर? और कोई डाउट? चलो आज बस इतना ही रहने दो, आगे का टारगेट बता रहा हूँ मैं।